हमारे पास लीवर है, ठीक है, लीवर में सबसे पहले हम इसकी सरफेस देखते हैं, ये सारी डायफ्रेगमेटिक सरफेस है और ये पोस्टीरियर सरफेस है, ये विजरल सरफेस है, ठीक है, ये इसका सुपीरियर बॉर्डर और ये इसका इंफीरियर बॉर्डर। इंफीरियर बॉर्डर में मोस्ट प्रोमिनेंट ये हमारे पास फंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है। सबसे पहले ये क्या है, राइट लोब इस साइड पर, ठीक है, ये राइट लोब होता है, राइट लोब ऑफ द लीवर, और ये हमारे पास होता है लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, ठीक है। एक दो लोब होते हैं विजरल सरफेस पर जो नजर आते हैं, कार्डेट लोब और क्वाड्रेट लोब, ठीक हो गया। एंटीरियर सरफेस पे आ जाते हैं, जो डायफ्रेगमेटिक सरफेस जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इसको कोस्टल सरफेस भी कहते हैं। सबसे पहले ये जो इसमें ये हमारे पास लिगामेंट नज़र आ रहा है, ये होता है फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट, ठीक हो गया। फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट दोनों एक्सट्रीमिटीज़ में जाके, मतलब राइट साइड पर अगर ये जाएगा ना, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास राइट कोरोनरी लिगामेंट है और लेफ्ट साइड पर हमारे पास लेफ्ट कोरोनरी लिगामेंट है। राइट कोरोनरी लिगामेंट ये मतलब कोने में जाके ये क्या बनेगा, राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट, और ये जो होता है ना लेफ्ट कोरोनरी लिगामेंट, ये हमारे पास बनाता है लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट, ठीक है। और ये जो हमें नज़र आ रहा है ना, बेसिकली पेरिटोनियल फोल्ड है जो कि लिवर को कनेक्ट करता है डायफ्राम के साथ, ठीक हो गया। ये सारी हमारे पास है डायफ्रेगमेटिक सरफेस, राइट लोब, लेफ्ट लोब, फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट, और ये जो राइट और लेफ्ट हमारे पास कोरोनरी लिगामेंट है, ठीक है, और ये हमारे पास राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट और लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट, ठीक हो गया। और ये जो पेरिटोनियल फोल्ड, अब आ जाते हैं हमारे पास विजरल सरफेस पे। विजरल सरफेस में सबसे पहले ये तो हमें नज़र आ रहा है इंफीरियर बैनर, ठीक हो गया। उसके बाद ये नज़र आ रहा है जी गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में ये तो फंडस जो एंटीरियर साइड से भी नज़र आ रही थी, फंडस, बॉडी, नेक, और ये होती है सिस्टिक डक्ट, ठीक है। होता क्या है कि जो राइट और लेफ्ट हमारे पास होती है ना, राइट और लेफ्ट जो हिपैटिक डक्ट होती है, ये मिलकर बनाती है कॉमन हिपैटिक डक्ट। ये मिलती है जब सिस्टिक डक्ट के साथ, तो हमारे पास बन जाता है बाइल डक्ट, ठीक हो गया। उसके बाद ये पूरा क्या होता है, इसको कहते हैं पोर्टा हिपैटिस, जिसमें पोर्टल ट्रायड्स होते हैं, ठीक है। एक तो ये बाइल डक्ट हो गया, ठीक है, ये होती है पोर्टल वेन, और ये हमारे पास होती है हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी आगे दो में डिवाइड हो जाती है, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो इसमें कुछ नज़र आ रहे हैं हमारे पास लिगामेंट्स वगैरह, ये जो है ना फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट था ना ये वाला, इसकी बिल्कुल पोस्टीरियर एक्सट्रीमिटी कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक, ठीक है, इसको कहते हैं लिगामेंटम टीरिस, ठीक है। और ये होता है फिशर, ये जो फिशर है ना, मतलब ठीक है, इसको कहते हैं फिशर फॉर लिगामेंटम टीरिस, और ये जो वाइटिश पार्ट है इसको हम कहते हैं कि ये लिगामेंटम टीरिस है, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो होता है ये फिशर होता है हमारे पास लिगामेंटम विनोजम के लिए, और यहाँ पे हमारे पास लिगामेंटम विनोजम का फोल्ड होता है, ठीक हो गया। उसके बाद इसकी इंप्रेशंस पे आ जाते हैं, हाँ, और ये मैंने एक बात रह गई थी कि ये जो होता है ये बेयर एरिया होता है राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट के पीछे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पेरिटोनियम एब्सेंट होती है, ठीक है। अब इसके इंप्रेशन पे आ जाते हैं, सबसे पहले ये लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट राइट, ठीक है, इसको अगर मैं पोस्टीरियर का टर्न करूँ तो ये यहाँ पे स्टमक होगा, गैस्ट्रिक इंप्रेशन, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास होता है एसोफेगस का इंप्रेशन, तो इसको कहते हैं एसोफेगियल इंप्रेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास होती है किडनी, तो ये हमारे पास रीनल इंप्रेशन, और ऊपर सुपरारियल इंप्रेशन, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे होता है राइट कोलिक फ्लेक्चर, और ये हमारे पास ड्यूजिनल इंप्रेशन,